नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान ज्ञान के केंद्र के रूप में रही थी। अब इस पुराने विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे और यहां पढ़ाने वाले भी शिक्षक जो थे 2,000 के करीब हुआ करते थे। यहां सिर्फ हमारे देश के ही नहीं दुनिया के अनेक जगहों के लोग आकर यहां पर पढ़ते थे। यहां पर चाइना, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और अन्य एशियाई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश यह विश्वविद्यालय 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया था। अब 2005 के 24 नवंबर से हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तब से बिहार के विकास का काम हम लोगों ने शुरू किया। ये काम हम लोगों को उसी समय शुरू हुआ था। अब उसी बीच मार्च 2006 में तब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम बिहार आए थे और उन्होंने बिहार विधानमंडल में अपने संबोधन में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की बात वहां पर कही थी। ये पहली बार वही व्यक्ति थे, वहां करके देख लिए थे और जब वहां पर आए थे हम लोगों के यहां उस समय थे, और बाद में तो खैर वो रिटायर कर गए थे, लेकिन जब आए थे 6 में तो उन्होंने हम लोगों के विधान मंडल में, विधानसभा, विधान परिषद सब में उन्होंने एड्रेस किया था और उसमें ही उन्होंने ये बात कही थी कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। तब से हम लोगों ने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी स्थापित करने की पहल शुरू की। इस नए नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना था, इसके लिए हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया। उस समय के केंद्र सरकार था, उसको भी हम लोगों ने अनुरोध किया, इन्होंने कह दिया था, तो वो तो कुछ जल्दी सुन नहीं रहे थे, उनमें देरी की जा रही थी। तो राज्य सरकार ने, हम लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने के लिए नया कानून वगैरह बना दिया और साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय के लिए स्थान का चयन करके 455 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था। इसके बाद वर्ष 2008 में, अब जो राष्ट्रपति पहले कहे थे वो तो रिटायर कर गए थे, तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रथम विजिटर के रूप में नए नालंदा विश्वविद्यालय के लिए चयनित स्थल पर आए थे। जब यहां काम शुरू किया जा रहा था तो वो भी फिर देखने आए थे 2008 में। तो इन सब चीजों को बता देना जरूरी है ताकि सब लोग जान लीजिए, पुरानी बातों को भी जान लीजिए, कैसे बना, किस तरह से बना, ये सब भी। और फिर 2010 में, वर्ष में, हमारे अनुरोध पर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु लोकसभा में बिल पारित किया गया। जब बहुत बार बार हम कह रहे थे तो अंत में वहां पर था, और उस समय तो सरकार दूसरे की थी, लेकिन हम लोगों ने इतना ज्यादा कहते रहे और उसके बाद फिर एक बार वो लोग वहां पर इसको लाए लोकसभा में, फिर राज्य सरकार पारित किया था कि इसको हम कराएंगे। तो फिर राज्य सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भूमि एवं सभी चीजों को केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दिया और विश्वविद्यालय का काम धीरे धीरे करके बढ़ता रहा और वर्ष 2014 से थोड़ी पढ़ाई शुरू हो गई यहां। अब उसके बाद केंद्र में NDA की सरकार बन गई थी, तब जब इनकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां पर पधारे हुए, इनकी सरकार बन गई थी और उसके बाद सही मायने में और काम शुरू इन्होंने, इनकी सरकार ने करवाया। 2016 में इस नए विश्वविद्यालय के भवनों का तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, इनकी सरकार थी उसमें प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे, तो वो आ गए थे वहीं के ऑर्डर के बाद, वो आ गए प्रणब बाबू ने शिलान्यास किया यहां आकर के, उसको 2016 में शिलान्यास किए कि ये सब काम को ठीक से और बनना चाहिए, सब करके गए। आज यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी तरह से कार्यरत हो गया है। अब कितना बढ़िया बन गया, पहले से जो बन रहा था अब कितना अच्छा बन गया, कितना सुंदर बन गया। वर्तमान में यहां
17 देशों के 400 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। ये भी कितनी खुशी की बात है। यूनिवर्सिटी के लिए सभी बिल्डिंग एवं कैंपस काफी बढ़ा और बहुत सुंदर बना है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी के संपूर्ण कैंपस का उद्घाटन किया जा रहा है, इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहां पर आ गए हैं और इसका पूरे तौर पर उद्घाटन कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप आ गए। ये सबसे पौराणिक जगह है राजगीर, आज का थोड़ी है, दुनिया का सबसे पहला जगह है राजगीर और यही पर से सब कुछ होता था। आप आ गए, बड़ा अच्छा था। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप आ गए। राजगीर सबसे पौराणिक स्थल है। राजगीर मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। पहले इसे राजगृह के नाम से राजगृह अभी हम लोग कहते हैं, लेकिन कहा जाता था राजगृह और उसी के नाम से जाना जाता था। फिर राजधानी को ये जो पटना है पाटलिपुत्र, वहीं पर शिफ्ट कर दिया गया था और राजगृह 5 प्रमुख धर्मों का यहां पर संगम स्थल है। एक बात भी जान लीजिए, राजगीर में 5 धर्मों का है अर्थ है। बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध एवं वेणुपन में रहा करते थे और गिद्धकूट पर्वत पर उपदेश किया करते थे। यहां पर भी सब अच्छा और हम लोग उसका रास्ता वास्ता सब बनवा दिए हैं। अब लोगों को जाने आने में सुविधा होती है, हम सब करवा दिए हैं। जब 9 के बाद हम सब देख दाख करके, पहले तो बराबर बचपन में देखते ही थे, लेकिन जब सरकार हम लोगों की थी तो उसी समय हम लोगों ने एक एक काम करवा दिया ताकि उसमें भी और सुविधा हो गई। और जैन धर्म के भगवान महावीर का भी सीधा संबंध है। यहां पर कई जैन मंदिर अवस्थित हैं। जब कोई होता है सबसे ज्यादा उन्हीं का है और जब कोई काम पड़ता है तो उन्हीं से लेकर के लोगों को वहां पर रखवाया जाता है। और इसके बाद सिख धर्म के गुरु नानक देव जी यहां आए थे और यहां शीतल कुंड गुरुद्वारा बनाया गया। जब आप जानते ही हैं, हम ही ने उन्हों से अनुरोध किया कि अरे भाई यहां पर वो रहे थे तो एक बनाइए, तो लोग स्वीकार कर लिया और देखिए कितना बढ़िया बना लिया है। वो लोग भी आकर के यहीं पर कितना अच्छा बना दिया, सब कुछ किया। और मुस्लिम धर्म के महान सूफी संत मखदूम साहब को राजगीर में ही ज्ञान, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ यहीं राजगीर में, यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर वो चले गए बिहार शरीफ जाने वाले जगह में, सब कुछ है। तो एक एक तरह का काम। और हिंदू धर्म का जहां तक सवाल है, ये भी बहुत ज्यादा यहां पर हिंदू धर्म का है। मलमास मेला का आयोजन हर तीसरे वर्ष किया जाता है और जब ये तीसरे वर्ष किया जाता है तो लोग मानते हैं कि मलमास के दौरान 33 करोड़ हिंदू देवी देवता सब यहीं रहते हैं। ये एकदम मान्यता है कि सब लोग यहीं पर रहते हैं। अरे कोई देख थोड़ी हो सकता है उनको, लेकिन मानता है। और कितनी बड़ी भीड़ होती है। और आप जानते ही हैं 2023 में हम लोग तो लगातार कह रहे थे और 2023 में इस बार पिछली बार और ज्यादा कोशिश किए तो आप जानते हैं 3 करोड़ से अधिक लोग यहां पर आए थे। ये जो है मलमास मेला का आयोजन, एक एक तरह से काम किया गया है। यहां गर्म पानी के कुंड हैं, यहां बड़ी संख्या में लोग स्नान और पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। पहाड़ों पर भगवान बुद्ध एवं महावीर जैन से जुड़े स्थानों के लिए रास्ते बनाए जाते हैं। तो जो गर्म पानी का कुंड है, देखते ही ना कितना लोग नहाने आता है, कितना लोग आता है और कितना अच्छा लगता है। हम लोग को तो बचपन से करते हैं, हमको पिताजी भेज देते थे तब बचपन से हम जाते थे। अब आजकल जब आते हैं तो वहां पर नहाते हैं गर्म पानी। तो राजगीर में तो एक से एक चीज है। सर तो आप आ गए हैं, बड़ा अच्छा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब भविष्य में कभी आप और फिर आइएगा जरूर। ये राजगीर का इतना ज्यादा महत्व है, इतना ज्यादा बढ़िया है और आप लोगों की सरकार के द्वारा ये जो काम यहां पर हो रहा है, जो हम लोग आज जिसका आप आए हैं उद्घाटन करने के लिए, ये बड़ी खुशी की बात है। और सब जगह से सब लोगों से, और आप जानते हैं राजगीर बहुत महत्वपूर्ण है। करोड़ों वर्ष पुराने
पहाड़ एवं जंगल है। ये कितना बड़ा है पहाड़, देखते हैं कितना बड़ा है और कितना बड़ा जंगल सब कुछ है। इन पहाड़ियों में जड़ी बूटियों का भंडार है। पहाड़ों पर बड़ी संख्या में पेड़ लगाए गए हैं, तो सब हम लोग करवाए हैं। वृक्षारोपण नहीं था, हम सब बहुत लगवाए हैं। एक से एक दवा वहां पर से निकलती है, वहां पर जो होता है और उसका जब इलाज होता है तो सब सब है। तो गया, इतना ज्यादा महत्व है राजगीर का। और राजगीर में बड़े पैमाने पर इको टूरिज्म का विकास किया गया है, जिसमें घोड़ा कटोरा पांडू पोखर का विकास किया गया है। राजगीर में कितना चीजों का हम लोगों ने काम कर दिया, विकास कर दिया, अब सबको खुशी है। राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जू सफारी, नेजर सफारी, ग्लास ब्रिज बनाया गया है। ये सभी स्थल पर्यटन के केंद्र बन गए हैं। यहाँ भारी संख्या में लोग एवं बच्चे आते हैं। अंत में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन कार्यक्रम के में पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनको मैं बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है, अभी कुछ दिन पहले आपकी खबर आई कि यहाँ पर आने वाले हैं, तो हम लोगों को बड़ा खुशी हुआ कि आप चलिए, आप तो तीसरा बार आप फिर आइए है कोई तब आप फिर आ रहे हैं यहाँ, तो बहुत अच्छा हमको लगा कि आप आ गए यहाँ पर। तो हम लोग तो बचपन से न घूमते थे जी, यह राजगीर का क्या महत्व है, सब पौराणिक जगह पर आप आ गए, बड़ी खुशी की बात है और बहुत सुंदर है। और यहाँ पर आ गए तो इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस कार्यक्रम में आयोजन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति उपकुलपति सहित सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मेरा कहना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का खूब आगे बढ़ाया जाए। देखिए हम लोग ये शुरू करवाए, आपको तो बता ही दिए हैं कि कौन कहे और तब हम लोग उसको शुरू कराए, तब उसके बाद फिर केंद्र की, अब आपने खूब बढ़िया से इसको काम कराना शुरू किया, तो हमारा तो यही आग्रह होगा कि इसको खूब आगे खूब बढ़ाइए। अब पहले जो लोग भी आते थे और जो बनाते थे उनको आप, तो उनको हम लोग पटना आते थे तब कहते थे, यहाँ आकर के भी बात होती थी, तो अब तो बहुत अच्छा बन गया है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर, जो भी था पुराना नालंदा विश्वविद्यालय उसके तर्ज पर आसपास के गांवों को जोड़ा जाए। एक बात हम वही कहेंगे कि पहले तो आपको हम पहले करा दिए कि बहुत सारा गांव वहां पर था जहां पर आज होकर के आ गए, तो उससे बहुत सारा गांव उससे जुड़ा हुआ था। तो हम तो यही आग्रह चाहते ही, हम पहले ही आप लोगों को मालूम है, जो इसको जानने वाले लोग हम तो शुरू से कह दिए, अब पता नहीं इसको मालूम है कि नहीं मालूम है, हम शुरू से कहते हैं, तो हम तो शुरू से कहते हैं कि सब जगह अगल बगल का जितना भी गांव वाला सब है आज जिसका पौराणिक रिश्ता रहा, तो उस सब के साथ भी यहाँ के लोग जो पढ़ाते हैं वहां पर अगल बगल सब जगह राज्य सरकार मदद कर देगी, आपके जाने का रास्ता बना देगी और वहां पर रहेगा और वहां पर भी जा करके कभी कभी सुबह या कभी भी कुछ उन लोगों को उपदेश दीजिए तो कितना बढ़िया लगेगा। ये पौराणिक जगह है तो सब भी जरा करा दीजिएगा जो हम लोग चाहते हैं। तो यही सब करते हुए आप सब लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं और बच्चे बच्चियों को भी तो चारों तरफ से खूब विश्वविद्यालय में शामिल करिए, सब चीज सीखेगा जानेगा। और एक एक ही बड़ा ही पुराना चीज है, अब उसको बन रहा है तो इसको हमेशा याद रखना चाहिए। और ये काम आप लोगों ने कर दिया है तो मैं तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और खूब बढ़िया से ये काम करिए। और केंद्र सरकार तो ये कर ही रही है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि आप लोगों को अगर लगे कि राज्य सरकार कुछ और मदद कर दे यहाँ पर कुछ करने के लिए, आपके विस्तार के लिए, आपको कुछ के लिए, हम लोग पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। और यहाँ के डीएम को भी हम लोग कहे रहते हैं, एक एक तरह से देखते रहिए इन लोगों को, किसी तरह की कोई जरूरत और रहे जानते रहे। आप प्रभारी बैठे हुए हैं, आप जो जिला के प्रभारी है तो आपको भी कहेंगे कि आ करके लोगों से पूछा करिएगा कि भाई इनको और ज्यादा राज्य सरकार से कुछ मदद करने की जरूरत है,
तो सब लोगों को पूरे तौर पर, ये मामूली बात नहीं है, पहले भी विदेश से कितना लोग आते थे, आज भी कितना दूसरे राज्यों के लोग यहां पर आ रहे हैं, तो ये कितना खुशी की बात है। और राजगीर में कितने लोग हर आते हैं, तो इसलिए बड़ा अच्छा है। और आप आ गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज बड़ी खुशी की बात है और इसको खूब आगे बढ़ रहा है और खूब आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपनी बात।